इन दिनों पूरे देश और दुनिया में T20 वर्ल्ड कप का जादू छाया हुआ है। 2 जून से शुरू हुए मैच 29 जून तक जारी रहेंगे। इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम विश्व विजेता बने, इस ही कामना को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के भाई आज धर्म पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। यहां उन्होंने विशेष मंत्रोच्चार के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित अर्पित गुरु ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के भाई मनीष कोहली आज धर्म पत्नी के साथ महाकाल की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, जिन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल को जल अर्पित करने के साथ उनका पूजन और दर्शन किया। इसके बाद नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कही। इस पूजन अर्चन के दौरान बाबा महाकाल की भक्ति में लीन भी नजर आए। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत विजेता बने, बस ऐसी ही मनोकामना है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो सभी की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा तो भारत वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। वीरू भाई भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि मनीष कोहली और उनकी धर्म पत्नी महाकाल मंदिर जाने के पहले मंगल ग्रह के उत्पत्ति स्थल मंगलनाथ मंदिर भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूजन अर्चन की और भगवान मंगलनाथ से इस T20 वर्ल्ड कप में भारत को विजेता बनाने की कामना भी की। आज हमारा ये बहुत बड़ा योग्य है कि आज हम महाकाल मंदिर आए हैं। यहाँ पर आए बड़ी बहुत ही बढ़िया सीमलेस जो है हमारा आज दर्शन हुए। मुरली जी धन्यवाद आपका। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, मनोकामना करने आए हैं कि भारत इस बार T20 का वर्ल्ड कप जीते। वीरू भाई बहुत बढ़िया इस बार काम करें और बाकी हम अपने और अपने परिवार के लिए सब मन्नत मांगने आए थे। बहुत अच्छी पूरी हो गई और हम आज बहुत खुशी यहाँ से जा रहे हैं। बस आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स है, महाकाल की ब्लेसिंग्स है, पूरी दुनियावासी की ब्लेसिंग है और बस वही काम करने आप मनीष कोहली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।